हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक सैयद हजरत सालार मसूद गाजी रहमतुल्ला उर्फ बाले मियाँ का सालाना 30 दिवसीय ऐतिहासिक मेला 22 मई से शुरू हो गया है। बहरामपुर स्टेट बाले मियाँ मैदान में हर वर्ष ज्येष्ठ माह में एक महीने का मेला लगता है। इस मेले में दूर दराज तथा आसपास से अकीदतमंद और आस्थावान बाले मियाँ की दरगाह में हाजिरी देने और मन्नत मांगने पहुँचते हैं। हर जायज़ मुराद पूरी करने वाले रूप में मशहूर बाले मियाँ की दरगाह पर आस्थावान पलंग पीठी कानूनी आदि चढ़ाकर अपनी आस्था और अकीदत का इजहार करते हैं। खादिम रियाजुद्दीन ने बताया कि होली के बाद बाबा का लगन पड़ता है। लगन के बाद 22 मई से 22 जून तक पूरे एक महीने का मेला लगता है। बाबा के स्थान पर लाखों की संख्या में लोग अपनी मन्नत लेकर आते हैं और उनकी मन्नत पूरी होती है। किसी को आँख पैर औलाद मकान दुकान परेशानी होती है तो लोग अपनी ठीक होने की मन्नत मांगते हैं और बाबा उसकी मुरादें पूरी करते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के द्वारा मेला लगता है और इस मेले में लाखों की संख्या में भीड़ होती है। बाले मियाँ के मेले को पूर्वांचल की गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल माना जाता है तथा हर साल लगन की रस्म पलंग पीढ़ी के रूप में मनाई जाती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए बाले मियाँ मैदान के प्रमुख मोहम्मद इलियास की बहन राबिया खातून एवं वहां के खादिम रियाजुद्दीन हाशमी ने कहा। हमारा नाम रियाजुद्दीन है, हम यहाँ के खादिम हैं, इसके मालिक खालिक हैं। और ये मेला जो है मार्च ही में लगता, होली के बाद जो मार्च है उनका बाबा का लगन पड़ता है। अब बाबे का लगन के बाद जो है उनके मुख्य मेले का दिन पड़ता है, इसका दिन होता है 22 मई। 22 मई से लेके 22 जून तक जो है ये मेला चलता रहेगा और काफ़ी संख्या में भीड़ होता है। लाखों लाखों आदमी आते हैं, अपनी अपनी मन्नत लेके चढ़ाते हैं। कोई गोरखपुर से आता है, कोई पटना से आता है, कोई देवरिया से आता है, कोई कानपुर से आता है, कोई लखनऊ से आता है, सिद्धार्थनगर से आता है, आजमगढ़ से आता है, गाजीपुर से आता है। ऐसे लोग आते हैं अपनी अपनी मन्नत लेके, उनकी मन्नत पूरी होती है। कोई अपने आँख के लिए आता है, कोई पैर के लिए आता है, कोई अपने बच्चे के लिए आता है, कोई अपने मकान दुकान के लिए आता है, तो सबकी मुरादें बाबा पूरे करते हैं। और क्या होता है, और इनका नाम तो बहुत दूर दूर तक है। इनके नाम से लोकल हॉलीडे होता है, लोकल हॉलीडे माने छुट्टी, एक दिन की छुट्टी होती है। इनका नाम इतना मशहूर है। और यही है कि लोग आते हैं, उनकी मन्नत पूरी होती है,
कोई गागर मानता है, कोई चादर मानता है, कोई मुर्गा मानता है, कोई अंखियाँ मानता है, कोई पैर का वो मांगता है कि पैर हम चढ़ाएंगे बाबा, हमारा पैर ठीक हो जाएगा तू, और कोई आँख मांगता है हमारी आँख ठीक हो जाए तू, ऐसे है कोई कंठ नहीं खुलता है तो कंठ मानता है कि हम चांदी के कंठ चढ़ाएंगे अगर हमारा पूरा हो जाएगा तो, कोई गागर चढ़ाता है, कोई चादर चढ़ाता है, कोई कंदूरी करवाता है, कोई अपना वो लेके आता है पलंग पुली लेके आता है, जो जो मन्नतें होती हैं बाबा की, जो मन्नत माने हुए हैं उनको लेके आना है, उनका पूरा हो गया पूरा होती है। हाँ बिल्कुल पूरा होती है, पूरा नहीं होता तो लाखों की संख्या में बिल कैसे होता। ये तो बाबा का बहुत बहुत बड़ा एहसान है कि लोग आते हैं अपनी अपनी मुरादें लेके पाते हैं, उनका काम जो है पूरा होता है। मेरा नाम राबिया हाशमी, प्रबंधक मोहम्मद इलियास की बहन। 27 मार्च को यहाँ लगन रखी जाती है, होली का पहला इतवार रखी गई थी, जेठ के पहले इतवार को मेला लगता है। 27 मार्च को जब लगन रखी गई तो हर रविवार को मेला यहाँ लगता है। उसके बाद जब जेठ का मेला हो जाता है तो 5 इतवार मेला यहाँ लगता है। 22 जून तक का मेला है। उसके बीच जब सरकार की शादी बारात आती है, पलंग पीढ़ी आती है, आई है, उसमें मुर्गा चादर गागर कवालियाँ होती हैं और उनकी मन्नतें मुराद पूरी होती है। 5 अंधा ठीक होता है, 5 कोढ़ी ठीक होते हैं, यहाँ 5 बाज की कोख खुलती है और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिल के मेला होता है यहाँ। सही सलामत शिवाजी रहमतुल्लाह अलैह के शान में कवालियाँ चादर गागर धूम से आती जाती है यहाँ। कितने की भीड़ होती है यहाँ? करीब 10,000 से ऊपर की भीड़ होती है। और ये मैं सही सलामत शिवाजी रहमतुल्लाह अलैह का मेला हजार से कुछ वर्ष से लग रहा है, 1000 कुछ वर्ष से मेला लगते चला आया है। बाले मियाँ की शादी के दिन आंधी तूफान आता है। इस आंधी तूफान आए किस को आ ही गया, आंधी तूफान आ गया, 22 में गिनती होगी किस को आ गया, तो आंधी तूफान मस्ट आना, इसलिए सरकार की शादी नहीं हो पाती। ये परंपरा जी भी यहाँ परंपरा यह आती है। और इसके बारे में, इसके बारे में ही कहेंगे, सरकार के जोहरा बीबी, सरकार के आँख नहीं थी, जोहरा बीबी ने कहा कि और अगर हमको आँख आ गई तो हम सरकार आपका दीदार करेंगे। उनके माँ बाप ने कहा कि ले चल के दीदार कराएंगे, आँख आ गई। सरकार एक दिन घोड़सवार आए सरकार, और घोड़सवार आए तो आवाज़ दिए कि ऐ लड़की उठो, उठ गई, कहे थे कि एक हम आएंगे तो हमको एक गिलास पानी देना। जैसे गिलास में पानी दी वैसे ही आँख आ गई सरकार की, जोहरा बीबी की आँख आ गई। उस दिन से वो सोच ली कि जोहरा बीबी हम सैयद सलाम शिवाजी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत करेंगे, और खिदमत कर रही थी और वहीं रहेगी। सरकार के पैतिया ने उनकी मज़ार बनी।